ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਚੱਡਾ अरे आज ये सबका व्हाट्सएप स्टेटस भरा क्यों पड़ा है क्या डाल रखा है लोगों ने हैप्पी फादर्स डे माय फादर माय हीरो फादर्स डे अच्छा फादर्स डे है आज पर अभी तक शुभम का फोन नहीं आया मुझे विश करने के लिए साला बेटा है मेरा पूरा स्कूल जानता है और अब तक इसने मुझे फादर्स डे विश करने के लिए फोन नहीं करा रुक मैं फोन लगाता हूँ माय सन हेलो शुभम हेलो आज क्या है फादर्स डे तो विश कौन करेगा मुझे यही संस्कार दिए मैंने तेरे को अपने बाप को विश करना भूल गया तू मान लिया आधार कार्ड में मेरा नाम नहीं है तो तू ऐसे करेगा मेरे साथ इलीगली तो मैं हूँ ना तेरा बाप चल विश कर मुझे आप कौन बोल रहे हो बाप बोल रहा हूँ आप कौन बोल मैं भी बाप बोल रहा हूँ असली वाला अंकल सॉरी अंकल मिस्टेक हो गई अंकल करूँ विश फादर्स डे अरे नहीं अंकल आपको कैसे बेटा बना सकता हूँ मैं सारे फोन काट दे तो अंकल गाली मत अंकल चुप रखेगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा उनका घंटा ही कुछ करेगा ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप अबे ये छोड़ ये बता कि आज फादर्स डे है पापा को क्या गिफ्ट दें जो पापा का एकदम फेवरेट हो हे सिरी वाइन एंड बियर शॉप नियर मी अबे ओ ये नहीं मतलब कुछ अलग यार कोई ऐसी चीज जिससे पापा परेशान हो चुके हों और हम उन्हें नहीं ला के दे दें हे सिरी 40 प्लस वुमेन फॉर मैरिज नियर मी अबे तू नई पत्नी ला के देगा पापा को बंद कर इस तरी को भैया आप ये बताओ कि बजट कितना है छोटे बजट की तो तू टेंशन मत ले मेरे और अंबानी के बैंक बैलेंस में बस 2-4 रुपए का फर्क होगा एंड सॉरी टू से वो 2-4 उसके बैंक बैलेंस में कम होंगे हे सिरी बीएमडब्ल्यू शोरूम नियर मी अबे चुप कौन आया क्यों है भाई यहाँ गर्मी में फटी पड़ी है आप ठंड की बात कर रहे हो बेटा तेरे गाल तो बड़े मुलायम हैं अंकल गाल इधर हैं अंकल आप हो कौन मैं वो हूँ जिसकी वजह से बच्चों का बचपन खुशी से कट रहा है जॉनी सिंस मैं हूँ करमपाल और मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है तो यहाँ क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो और मैं बेचारा बूढ़ा अंधा भी हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता अंकल बिंगो खाओगे हाँ बेटा खाऊंगा ये लो कैच ओह नो और दियो मैं अपनी 65 करोड़ की जायदाद तुम बच्चों के नाम करने आया हूँ भगवान ने सिर्फ एक ही नहीं सीधा दो दो अच्छी चीजें कर दी एक तो कैंसिल कर दिए बोर्ड दूसरा मिल गए 65 करोड़ हेलो हाँ जाट एयरवेज हाँ जी मेरी हवाई की टिकट बुक कर दो अबे सुनियो थम जा हवाई जाना है तेरे को और जाट एयरवेज नहीं जेट एयरवेज होता है हरियाणा से फ्लाइट लेगा क्या बेटा मेरे पास वक्त बहुत कम है जल्दी से इस पेपर पे बेटा बेटा ठंड लग रही है बेटा मुझे गर्मी दो मैं निकल लूंगा भैया कुछ करना पड़ेगा एक काम करते हैं मैं अंकल पे पेट्रोल डालता हूँ और आप आग लगाओ ठीक है कुछ नहीं होगा इससे अब गर्मी पाने के लिए एक आखिरी उपाय रह गया है क्या मेरे साथ एक मंत्र बोलो सर्दी में भी गर्मी है गर्मी में भी सर्दी है सर्दी में भी कर दी है नौरा फतेही मेरी फेवरेट है
अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, मैं मिस्टर चौरसिया के बच्चों के नाम पे 65 करोड़ का चेक लिख देता हूँ। चौरसिया अंकल, हम तो मिस्टर चड्डा के बच्चे हैं। ओ सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू बच्चों हेल्प करने के लिए। तुम्हें भी कुछ देना बनता है, अपना हाथ आगे करो। बाय बाय, मिलते हैं। गर्मी चाहिए ना? रुको अंकल, अभी रुको, गर्मी देता हूँ आपको। हाँ बहुत बढ़िया, और लगाओ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के बदला लूंगा। कर लो जो मर्जी, डरता हूँ क्या आपसे? घटिया बच्चे, जाओ जाओ जाओ। अरे ये इतना शोर क्यों मचा रखा है? हैप्पी फादर्स डे पापा। थैंक यू बच्चा। उड़ले बेटा, आज सुबह से बुखार बुखार सा लग रहा है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड। लोहे की कोई चीजें तो नहीं चिपकने लगी तुम्हारे? हाँ पापा, मैंने न्यूज में देखा था, एक अंकल ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद लोहे की चीजें उनकी बॉडी पे चिपकने लग गई। ये मेरी बॉडी पर चिपकते है नहीं चिपकते? यार अब मैं अपने दोस्तों को बोल भी नहीं पाऊंगा कि मैं आयरन मैन का बेटा हूँ। यार बच्चों, थोड़ी देर पहले एक लड़की का फोन आया था, उसने हैप्पी फादर्स डे बोल के फोन काट दिया। ओह नो। यार ये डिम्पी भी शादी का स्लॉट बुक करके ही मानेगी। यहाँ वैक्सीन का स्लॉट बुक नहीं हो रहा, ये शादी का स्लॉट बुक करेंगे। वैसे शमिता, तुमने मुझे फादर्स डे विश नहीं किया। मैं क्यों करूं? कमरे में तो बड़ा डैडी डैडी बोलती हो। अरे फोन की घंटी बजी। जिंगल 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 जिंगल। हेलो जी। जी हाँ, हमने फादर्स डे स्पेशल चड्डियाँ निकाली है जी। इस चड्डियों की खासियत ये है कि जैसे एक बाप अपने बच्चों को सेफ रखता है, संभाल कर रखता है, वैसे ही हमारी ये स्पेशल चड्डी आपकी अंदरूनी चीज़ों को सेफ रखेगी, संभाल कर रखेगी, बाप की बापता महसूस करवाएगी। जी क्या 100 ऑर्डर लिख लूं? जी 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 बिल्कुल, टाइम से पहुंच जाएंगे जी। ओके ओके ओके। ओह आज तो चड्डियों की तगड़ी बिक्री हो गई। तुम बस इन चड्डियों में घुसे रहना, मेरे ऊपर तो कभी ध्यान ही मत देना। आज फादर्स डे विश करने वाले सिर्फ दो हैं, तुम कहो तो 3 कर दें। पापा हम सामने खड़े हैं। हेलो। अरे हाँ गरमपाल अंकल, अरे क्या आप घर आए थे? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं उस टाइम सो रहा था, आप फिर से आ जाइए। ओह चौरसिया बेटा, आपकी पुरानी आदत कही नहीं, चौरसिया नहीं चड्डा चड्डा। हाँ वही वही, बुड्ढा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। मरने से पहले 65 करोड़ तेरे और तेरे बच्चों के नाम करना चाहता हूँ। अंकल आप, तुम बच्चे, 65 करोड़ इन बच्चों के नाम करने से अच्छा तो मैं 65 करोड़ खुद ही लेके चला जाऊंगा। अंकल प्लीज, अंकल ऐसे मत करो अंकल, मैं आपके लिए गर्मी का स्टेप भी कर दूंगा अंकल। अंकल प्लीज ऐसे फाड़ो फाड़। हाँ यार 65 करोड़ हाथ से निकल गए। हाँ मिल जाते तो क्या मस्त जिंदगी जीते। अभी तो एक साइकिल लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है, ऐसे हालत है हमारे घर के। लगता है हमारे नसीब में ये गरीब जिंदगी ही लिखी है। गुडली बेटा, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम गरीब जिंदगी जी रहे हैं। कभी अपने पापा से पूछा है कि वो कैसे कैसे मेहनत करके तुम्हारा पेट भरता है और तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता? खुद पता नहीं कितने सालों से मैंने कुछ नहीं खरीदा होगा, पर तुम जब भी बोलते हो तुम लोगों को दिलवा देता हूँ। जिस दिन मेरी जगह होगी ना, तुम्हें भी पता लगेगा, कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए जितना करता है, दिल से करता है, मेहनत से करता है, तो उसे कम ना बोल के उसकी कीमत समझो। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ नहीं मिले ये 65 करोड़ हम लोगों को। कोई बात नहीं, जी लेंगे मिडिल क्लास जिंदगी, पर मेहनत की रोटी खाएंगे। मेरी चाहे खुद की चड्डियों में छेद हो, पर चड्डियां बेच के तुम्हारा पेट भरता हूं।
सॉरी पापा, हमें माफ कर दो, आप सच में हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। We love you, पापा, आप सबसे बेस्ट हो। मेरे बच्चे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, daddy. बच्चों की जिंदगी उज्जवल बनाने के लिए जो खुद थोड़ा कम सोता है वो पाप होता है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, बच्चों को उत्साह देकर अकेले में जो खुद रोता है वो पाप होता है। लाख दोस्त चाहे हों तुम्हारे, पर वक्त आने पर जो तुम्हारे साथ होता है वो पाप होता है, वो पाप होता है।